अब ये देखो इधर आओ, मैं जो बोल रहा था वो सही है कि नहीं भाई? ये तलाना गौरव ये पुरानी है, हाँ जी सूख गई थी, हाँ ठीक है दिखाओ भैया, निकल गया आगे के नहीं आया, आगे। और तुम इसे खींच के निकाल देते तो। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, मैं हूँ आपका दोस्त राहुल जवान, मैं हूँ उस समय जिला मुजफ्फरनगर में रोहना क्षेत्र में। हमारे एक मित्र हैं मलिक साहब, लगभग 3 साल से हमारे साथ खेती कर रहे हैं। पिछले साल उन्होंने पौधा लगाया था 6,000 के आसपास। हमारा विशेष यहाँ पे आने का मकसद है कि इस परिस्थिति में अगर किसान फंस जाए, जो ओले लगे हुए हैं, इसके ऊपर पत्थर पड़ा है, जिसको पत्थर बोलते हैं भयंकर तरीके से, ऐसी कंडीशन में इस पौधे को रिकवर कैसे करें, एक अच्छा उत्पादन कैसे लाएं, मैं एक परिचय करा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका मलिक साहब पूरा, मेरा नाम धर्मेंद्र मलिक, गाँव बधाई कला, जिला मुजफ्फरनगर। मलिक साहब, ओला पड़ो कितने दिन हो गए? ओला पड़े जी 8 दिन हो गए करीब। इसमें मोटे मोटे 2-4 काम करने हैं आपने? हाँ जी, मोटे मोटे 2-4 काम ये है कि नया पत्ता इसने देना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि जड़ें चलना चाह रही हैं। तो सबसे पहले तो आप, अगर आपके पास वो कल्चर हैं जो मैंने बताए थे, सबसे बढ़िया देसी इलाज वो आज की तारीख में, एक बोतल लाओ, अच्छा। बना के ड्रम 100-100 लीटर के रख लो, ठीक है। 100-100 लीटर कह रहा हूँ, पहले 20 फिर 20, 1 से 50 लीटर भी बना लोगे तो भी चलेगा, और आराम से देखो उसमें खर्चा नहीं है। और जब किसान का खर्चा नहीं होता तो उसका मन काम करने का बहुत करता है। जहाँ खर्चे का नंबर आता है तो किसान का हाथ खींचता है, पैसा होता नहीं उसके पास। मैं आपसे कहूँ कि 2,000 की सीसी लाओ, स्प्रे करो, तो पहले तो 2,000 की सीसी लाने में दिक्कत पड़ेगी, अगर घर पर रखी तो सही बात है, और उसका रिजल्ट उस सीसी से बहुत बेहतर है। तो इसमें हमने एक तो पूरे ये फंगीसाइड कीटनाशक के स्प्रे करने हैं जो हमारे पास जैविक वाले हैं, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया, वेसियाना, मेटारिजम, ये। दूसरा, इन्हीं की ड्रिंचिंग करनी है, अब हमारे पास वो है नहीं फिलहाल वर्तमान में, तुरंत मैं क्या करूं? तो कोई भी रासायनिक फंगीसाइड जैसे थायोफ्रेन मिथाइल ले लो, या ब्लोकोपर ले लो, या फिर यूपीएल की अपनी साफ आती है, अच्छा। सफिलाइजर, हाँ हाँ, एक टंकी में 30 ग्राम ले लो, उसके अंदर 30 ही ग्राम गुड़ ले लो, ठीक है साहब, और उससे इसको अच्छे तरीके से बढ़िया करके तसल्ली के साथ, और इसमें तना छेदक भी लगा हुआ है, तैयारी हो गई उसकी। ओला नहीं छेदक है? नहीं कोई बात नहीं, शुरू हो जाएगा अभी, अच्छे अच्छे, ठीक है। तो इसके अंदर एक काम और कर लो, हाँ जी, अब 15 ml क्लोरोपाइरीफास, अच्छे, एक एक पौधे को बढ़िया करके स्प्रे करा दो, तो आपको एक चमक दिखाई देगी। लेकिन उपाय वही है, वही कल्चर बना लो आप, ठीक है, कहीं से भी ना मिले तो आप यहाँ से गाजियाबाद से ले आओ, गाजियाबाद से भी ना मिले तो मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो पत्ता फट रहा है, मैं उसी के बाद बता रहा हूँ, हाँ, पत्ता जो फट रहा है, ये एक तो ओले से फटा है, सीधी सी बात है, ये जो नीचे, हाँ, ये तना छोड़ रहा है, हाँ, उस पर भी आता हूँ। अभी हमने इसमें करना क्या क्या है, अब जो पत्ता छूट रहा है, अलग अलग हो रहा है, जो कमल का फूल की तरह खिल रहा है, और भी किसान भाई को होते हैं कि राहुल भाई हमारे पत्ते छूट रहे हैं, इनका सबसे बड़ा कारण है कि पौधा, जो बड़ा पौधा है, मजबूत पौधा, उसका नहीं छूट रहा है। 20 दिसंबर तक, ठंडी आने तक, जब टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे चला जाता है, तो हवा के जो मॉलिक्यूल हैं, जो कण हैं, वो बर्फ में बदल जाते हैं, और वो बर्फ लगातार पत्तों पे, तनों पे टच होती है, तो वो उस पिघलने के लिए, ऊष्मा लेने के लिए, ये इससे ऊष्मा खींचती है, पौधे से गर्मी खींचती है, और इसकी नसें फटती हैं, फिर हम बोलते हैं पाला लग गया, नस फट गया मतलब पाला लग गया। अब ये पौधा अपने आप को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि इसकी जड़ें तो काम करती नहीं ठंडी में, रनिंग भोजन हमने इसको दिया नहीं जिंदा रहने के लिए, इसलिए हम जाड़ों में बोलते हैं कि आप इसमें ड्रिंचिंग करो, लगातार खाद देते रहे, लगातार खाद आपने देखा होगा हम दिलाते रहते हैं, उस खाद से आपको वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये पौधा अंदर स्टोरेज किए हुए माल को ना ले करके रनिंग स्टोरेज पे काम करे, उसके लिए हम आपको वो दिलाते हैं। तो जो पौधा 20 दिसंबर तक 20 इंच का हो गया, उस पर पाले का रत्ती फर्क नहीं पड़ता है, 20 से नीचे है तो फर्क पड़ेगा। अब इसने ऐसे पत्ते को छोड़े, अब क्योंकि ये 20 इंच से नीचे का है, इसके पास पर्याप्त स्टोरेज अपने आप को बचाने के लिए है नहीं, रनिंग आप इसको दे नहीं रहे, मेरी बात को ध्यान से समझना, रनिंग मतलब तुरंत वाला फर्टिकेशन हमने इसको दिया नहीं, और उसके बाद, इसके बाद अपना जो स्टोरेज है, तो ये खुद को जिंदा रखने के लिए अपने स्टोरेज को यूज कर रहा है, और इसका स्टोरेज कहाँ पे है, इन पत्तों में। तो अब ये नया पत्ता देना है इसको, तो इसको एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, जो पुराने पत्ते हैं उनको अपने आप से अलग करके, अच्छा। ये पत्ते रिवर्स होंगे, दूर होंगे इससे, तो ये नया पत्ता निकलेगा, वरना ये पत्ते अगर सलामत बने रहेंगे तो नया पत्ता नहीं आएगा इसमें।
या फिर आपको अलग से फर्टिकेशन देना पड़ेगा। अब जैसे ही आप न्यूट्रिशन चालू कर देते हैं तो आप देखोगे पत्ते अलग होने बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे वहीं पे। नहीं दोगे तो मार्च मार्च के महीने में ऐसे फैल जाएंगे ये, क्योंकि इसको भोजन चाहिए। फिर बीच में डंडा डंडा खड़ा रह जाएगा, ये सारे पत्तों को खत्म करके नए पत्ते को देगा। हम आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, सही बात, अपने लिए नहीं, या जो हमारे बड़े बुजुर्ग चले गए उनके लिए काम कर रहे हैं हम आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। गणित समझ गए आप? अब बात आती है इसमें करना क्या है। अभी की परिस्थिति में एक तो आप इसमें करो चूने वाला ड्रिंचिंग, ठीक है, 200 लीटर पानी में 2 किलो चूना और 2 किलो सल्फर मिला लो, ये गर्माहट देगा इसको एकदम से, ठीक है, और इसको पौधे के चारों तरफ डलवा दो, ठीक है। सल्फर 2 किलो और 2 किलो चूना 1200 पौधे के लिए पर्याप्त है। दूसरा, इसकी तुरंत जुताई करवाओ, ठीक है, क्योंकि अभी इसका रूट स्ट्रक्चर भागा नहीं है। जुताई करा के वापस से यही बेड चाहिए हमें, मैं फिर आऊंगा दोबारा देखने, ठीक है, तो यही बेड चाहिए सेम जैसा है, कोई बड़ा काम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद आप कर लोगे, मेहनती आदमी हो। ये पहला काम करना है, पहला काम करना है नहलाना है, नीचे से वो करना है। दो काम हो गए, पट्टी खाद बनाया हुआ है कोई? अभी नहीं, 12-32-16 मिल जाएगा, मिल जाएगा, 1 बोरी 12-32-16 और 10 किलो सरसों की खल, अच्छा, इसका भट्टी खाद बनाने के लिए रख दो, ठीक है, हो गया। इसके अलावा एक ड्रिंचिंग और करनी है, 200 लीटर पानी में 5 किलो कच्चा गोबर, 5 किलो सरसों की खल और 5 किलो गुड़ मिला के उसकी एक ड्रिंचिंग करा दो। इतने काम हो गए। इतने काम करने के बाद में 200 लीटर पानी, एक केला गुरु मंगवा लो आप, अच्छा, हाँ वो डालना है मैंने, मंगवा लो, ठीक है, मैं भरी वीडियो में कह रहा हूँ, कतई जरूरी है, गन्ने वालों के लिए गन्ना गुरु और केले वालों के लिए केला गुरु, ये कोई हल्की माड़ी चीज है, हल्के में मतलब मलिक साहब, ठीक है, उसे देख तो ये आपको लगेगा कि यार ये तो है राहुल कुछ तो है। तो केला गुरु जैसी आएगा, अगर आपके पास बजट कम है तो आप उसे यूरिया मिला सकते हो, अच्छा, अगर या 12-32-16-10 किलो के साथ दे सकते हो, या आप उसके अंदर अगर बजट है तो 19-19-5 किलो के साथ, 7-7 दिन पे 2 ड्रिंचिंग है, अच्छा, और 7-7 दिन पे 2 ही स्प्रे हैं, आपके एक अद्भुत परिणाम इसके अंदर मिलेंगे। आप इतना शेड्यूल कर लो, ये वीडियो आ जाएगी आपके पास, नहीं तो मैं लिख के भी भेज दूंगा, लिख के भेजो। इसके बाद 1 महीने के बाद का शेड्यूल मैं आपको फिर दोबारा से दूंगा, ठीक है। अगले अगर 3 महीने 90 दिन आपने इसमें मेरे कहने से काम कर लिया तो बेहतरीन शानदार फल काटोगे, इसमें टॉप वाला एक नंबर का। ये शेड्यूल भी और जो बात का तो बाद में ले लेंगे, अब का ये लिख के देती हूँ, अभी वाला मैं आपको अभी लिख के दे दूंगा, यहीं के यहीं, ये जो अभी बताया है, ठीक है। और इसमें मिट्टी जैसे ही जुताई होगी तो फिर इस पर यहाँ तक मिट्टी भी जरूर लगवा देना, निश्चित रूप मिट्टी लगेगी तो ये चलेगा, याद रखो। अच्छा, अगर जुताई हम यही इतने बीच की ले लें? हाँ, कहीं यहाँ की कर लो, नहीं इसका बेड नहीं तोड़ना है, 2 फुट की ले लें बस, ये बीच की ले लो, हाँ बस, ये मिट्टी जो यहाँ आएगी ना, हाँ, ये खुद ही मिट्टी चढ़ के यहाँ तक आ जाएगी दोनों तरफ, हाँ हाँ हाँ, तो यही बेड बन जाएगा, जैसा बढ़िया तरह बना था जैसा था वैसे ही बन जाएगा। और ऑड इवन पानी दो इसको, अच्छा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, कोशिश करो थोड़ा सा देने की, अगर दे पाओ तो, या हल्का पानी नक्का खोल दो, ये सारा रात भर में 20 बीघे नहीं, वो भी ठीक है, आपका पौधा बेड पे है, हाँ। अब जैसे ये वाला पौधा है, रविंद्र भैया इधर दिखाना, क्या नाम, गौरव, ये देखो इसकी जड़ें दिख गई यहाँ से, हाँ जी हाँ, तो मलिक साहब यहाँ ना, हाँ, ये निकल रहा है तो मतलब जड़ें काम कर रही हैं, हाँ, लेकिन इस पे यहाँ तक मिट्टी चाहिए, अच्छा, अगर आप यहाँ तक मिट्टी, ये टकरा नहीं, मतलब 2 इंच मिट्टी लगवा दें, 2 इंच है ना, बिल्कुल चाहिए मलिक साहब, नहीं लगाओगे नुकसान आपका, धीरे धीरे जड़ों में से फंगस लगनी शुरू होगी, अच्छा, और फिर ये टूट टूट के गिरेंगे, इनको देख के मत घबराओ, अच्छा, ये तो प्रकृति की खूबसूरती है, एक महीने बाद देखना, अच्छा, ये भी चला, ये चलने को तैयार होगा अभी, हाँ ये चलेगा, ये सब चलेगा, ये देखो टाइट, ये देखो गंडा भी तो है, ये सब 100% आएगा नीचे से, नीचे से होगा। इसमें हम क्या करते हैं किसान, ये जो मैंने ये देखो सफेद है, हमने खींचना नहीं है इसको, ये ऐसे ही है जैसे खुरंट हो गया और हम उसको बार बार खोल कर देखें कितनी चोट ठीक हुई, ठीक है, तो नेचर का काम है इसको चलाने का। देखो इसमें जैसे और भी हैं, ये देखो हो रहे हैं जी, बहुत हैं। अब ये देखो इधर आओ, हाँ जी, मैं जो बोल रहा था वो सही है कि नहीं भाई, हाँ। ये लाना गौरव, ये पुरानी है, हाँ जी, सूख गई थी, हाँ ठीक है, देखो भैया निकल गया आगे के नहीं आया, और तुम इसे खींच के निकाल देते तो, इधर दिखाओ, ये देखो ये आया नया, हाँ ये हट गया इधर, हाँ उसके बाद ये वाला देखो, ये आया नया, ये सब में से नया आ रहा है अभी, बस इसको इस समय फर्टिकेशन की आवश्यकता है, यहाँ तक कि ये जो पौधा है ये तो बहुत ही छोटा है, हाँ जी,
इसमें से भी इसने नया दे दिया। हाँ। तो ये जैसे ही फर्टिगे चलेगा, हाँ। ये तुरंत आपको रिजल्ट देने वाला है। देखो सभी में आ गया पोंगा, वो छोटे वाले में ज्यादातर में आ गया, ये वो बिल्कुल जो छोटा है उसमें भी आ गया। हाँ। अच्छा ये सफेद जो निकल रहा है क्यों निकल रहा है, ये पीला पीला सफेद सफेद था जो? भाई साहब इसके अंदर न्यूट्रिशन है ही नहीं उसके पास स्टोरेज। अच्छा, जिंदा रहने के लिए जैसे एक आदमी है बीमार से पड़ा है, काफी समय से बीमार था, ऊपर से उसके हाथ पैर टूट गए, तो जब पहली बार चलेगा तो लंबे कदम रखेगा कि छोटे तो पत्ता छोटा ही देगा। समझ आ गई, मनुष्य के शरीर से रिलेट कर लो इसे, जहां इसे ताकत मिलेगी थोड़ा न्यूट्रिशन मिलेगा, मालिश वालिश होगी पैर होगी, भागा मिलेगा एक महीने के बाद, तो इसे जो है न्यूट्रिशन। एक और चीज होगी अगले महीने ध्यान रखना, मैं कहूँ या ना कहूँ, इसकी पोंगा भराई होनी चार। हाँ देखो देना शुरू हो गया, चार पोंगा भराई होंगी इसकी। अच्छा, एक पोंगा भराई होगा एक एक हफ्ते पे, पोंगा भराई में लगेगा आपका 2 किलो 19-19, एक आधा किलो एक्टिवेट प्रोटीन, आधा किलो अप्रैल में। हाँ अप्रैल में, ये शेड्यूल होते तुरंत। अच्छा, मैं बताना 90 दिन मेरे पे साथ भागना पड़ेगा आपको, अप्रैल के महीने में, मतलब अगले महीने जो आपका लगने वाला है आपके खेत में, बाकी का छोड़ो, आपका लगेगा एक एकड़ में 1 किलो डेक्सट्राकिंग दूध, उसमें मट्ठे में और उसमें घोल के गुड़ में। ठीक है, और ये मैं सोच रहा, मैं प्रोडक्ट बेस बता रहा हूँ, इस खेत को देखते हुए बता रहा हूँ, बजट से बाहर नहीं जाएगा ये एक महीने का। ठीक है, एक बोरी 12-32-16 की भट्टी खाद, दो हो गया, या डीएपी दे देना खाली 1000 पौधों में, एक कट्टा 1000 पौधों में एक कट्टा डीएपी भट्टी खाद बना करके 12-32-16 10 किलो सरसों की खली के साथ। ठीक है, उसके साथ में आपका 1 किलो डेक्सट्राकिंग और गन्ना गुरु का, केला गुरु का काम खत्म हो गया इस महीने। ठीक है, और अगले महीने लगेगा आपका 4 पोंगा भराई, बस पोंगा भराई में 200 लीटर पानी, 2 किलो 19-19, आधा किलो एचडीएल प्रोटीन, आधा किलो मिक्स न्यूट्री, और उसके अंदर 250 ग्राम गुड़ और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। ये डालना कहाँ है, जैसे पोंगा निकल रहा है तो यहाँ नहीं डालना है, जैसे एक कप बन गया इसका, कप में डालना, कप में नहीं डालना, यहाँ डालना है, यहाँ नीचे, यहाँ से मतलब ये गुच्छे में, जहाँ ये बस यहाँ को भर जा, जैसे ये देखो इसकी बताऊं, भरता चला जा नीचे कर। हाँ, जैसे ये वाला पौधा है, ये देखो ये इधर लाओ भैया, ये इसमें नहीं डालना है। अच्छा, किसान इसके अंदर डालता है। हाँ, यहाँ डालना है। अच्छा, यहाँ पे गुच्छे पे, और वो बहता बहता नीचे तक आ जाए, बिल्कुल, तो ये गैपिंग टूट जाएगी एकदम से, पौधा करके भागेगा। ये काम कर दो आप। ठीक है, आज आपने इसमें क्या डलवाया? आज अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम। बहुत बढ़िया, घोड़ गए, बहुत बढ़िया, वो डाले, बहुत बढ़िया, इससे भी इसको फर्क पड़ेगा। ये इतने मोटे मोटे काम कर लो, मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, जिन किसान भाइयों के खेत में इस तरह की घटनाएं हुई हैं वो इन चीज़ों को फॉलो करें, गारंटेड आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके, गारंटेड। एक तो होता है तुक्केबाजी, एक हो गारंटेड, गारंटेड इसका रिजल्ट है, और बाकी इसका फिर ऊपर वाले ने मौका दिया तो फल का भी वीडियो बनाऊंगा इसका आने के बाद। ठीक है, और आपको कोई सवाल पूछना तो आप बस जी, और मिलते रहेंगे आपसे, बात संपर्क में रहेंगे। ठीक है मलिक साहब, ठीक है, जय हिंद।